दोस्त ने हमारी जिंदगी हमारा जीना हराम कर दिया है, उसको मैं सबक सिखाऊंगा और तुम्हें लगता है वो सबक सीख जाएगा। डज, तुम किन ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो? मैं ख्वाबों की दुनिया में रह रहा हूँ, मैं हकीकत की दुनिया में रह रहा हूँ। वैसे तुम लोग क्या करते रहे पीछे से? हम लोग तो बाबा छुपते छुपाते निकलते रहे वहां से। जी आओ। ठीक, यहाँ मेरी कॉलोनी होने की वजह से ना बाबा मेरे को यहाँ के रास्ते मालूम है ना बाबा। यार चोरी कर रहे हो? क्यों चोरी कर रहे हो? क्या बोला तुमने? मैंने बारो खोली मुझे। मैं मेरा बेटा भी अब तुम्हारी वजह से मर जाएगा। वो बेचारा बिल्डर्स में कोयले की कान में काम करता है। मैंने कुछ तुम अभी तक गए नहीं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं तो तैयार था लेकिन मॉम नहीं जाना चाहती। मॉम कहती हैं उस घटिया शख्स के पैसों से मैं कुछ नहीं करूंगी, वो जरील रजील चूतिया इंसान। मैं क्या करूं? तुम मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ को समझा के पागल हो चुका हूँ कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन हो तो तुम हमारे मेरे बाप के कातिल ना। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे बेटे। बस थोड़े से और घंटे हैं, यहाँ से रेलवे ट्रैक से रेलवे चली जाएगी। वो देखो, वो थोड़ा सा रेलवे ट्रैक के पीछे, वहाँ पर मॉम अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस डील कर रही हैं। चलो मेरे घोड़े आओ, चलो चलो चलो। मेरे खुदा मुझे माफ कर। करते हैं क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर भी आ गए? यार तुम प्लीज भाई, आप जाएं यहाँ से, चाहिए प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ दफा हो चाहिए यहाँ से इसी वक्त, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैं तुम्हारे से अगली दफा मिलूंगा, जाऊँ, बाय। आप प्लीज़, आपको शर्म नहीं आती? आपका एक जवान बेटा है। और प्लीज़ मैं आपसे माजरत कर बैठा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए प्लीज़। मैंने मुझे पता है मैंने गलती की है और मैं उसके लिए माजरत खवा हूँ, लेकिन आप अपने और अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ ये खेल ना खेलिए। मैं बेवकूफ़ हूँ, आज मैं भी उसी बीमारी से गुजर रहा हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ। मुझे बेशक आप माफ़ ना करें कभी, लेकिन मुझे इस तरह हमेशा, प्लीज़ आपको क्या मैं आपके घर तक छोड़ सकता हूँ? प्लीज़ चले जाइए अपने बेटे के साथ इस शहर से, प्लीज़। खुदा का वास्ता है आपको, आपको मैं क्या किसका वास्ता दूँ? प्लीज़ आप चले जाइए इस शहर से। मैं जानता हूँ आप बुरे नहीं हैं, आपको वक्त ने मजबूर किया है, प्लीज आइए। वक्त मुझे पता है आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगी कभी भी, लेकिन एक दफा अगर आप कह देती कि मुझे माफ़ कर देंगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी कभी भी। तुम मुझे मेरा शौहर वापस ला दो, थॉमस वापस ला दो, मैं तुम्हें अभी माफ़ करने को तैयार हूँ। देखिए ये आपको भी पता है मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथों में नहीं है। हाथों में होता तो मैं और भी बहुत कुछ बदलता, लेकिन जो मेरे हाथों में है वो यही है कि मैं आपकी और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूँ। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मेरे बेटे को अनाथ कर दिया तुमने, तुम जलील रजील घटिया शख्स। आपका बेटा बता चुका है मुझे, मतलब
अब आप मतलब आपको दोबारा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। मैं ये बात कितनी दफ़ा बोलूँ आपको और आपके बेटे को कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने एक गलत इंसान की बात सुन ली और गलत फैसला ले लिया गलत वक्त पे। प्लीज़ अब आप दोनों मामी मामी मेरे बेटे माँ माँ बाप ये काम ना करें। आप दोनों प्लीज़ ये जगह छोड़ दीजिए और कहीं और जाइए और एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारिए। प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए, खुदा का वास्ता है आपको, ये पैसे रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये हराम के पैसे, नहीं चाहिए। ये आप पैसे पर रख लीजिए, बेशक मुझे माफ़ मत कीजिएगा, ज़िंदगी भर मुझे माफ़ ना करें, ना मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा कभी भी। बस ये पैसे रख लीजिए, मैंने आपके शौहर को मारा है, आप किस शौहर से मुझे बीमारी लग गई, प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। मैं कातिल हूँ आपके शौहर का, कभी दोबारा मेरी शक्ल ना देखिएगा। मैं हमेशा आपके मुताबिक लानती हूँ और लानती ही रहूँगा, वैसे मैं नहीं हूँ लेकिन आप ऐसा कहती हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ये बात फिलवक्त। क्या तुम ठीक हो? नहीं मैं नहीं ठीक, बीमार हूँ। मिल्टन ने हमारे पर बात कर दिया, अब मुझे जॉन का पता करना है, जॉन कहाँ है। उसी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि जॉन कहाँ है, हीरे कहाँ है, सोना कहाँ है। कहाँ लेके जाओगी? मौत के घाट। तुम मरने वाले हो? हाँ मरने वाला हूँ, लेकिन कैसे? देखो मैं क्या कहूँ, बस हमें जॉन की मदद करनी है, जॉन बस एक वो ही अब बचा है जो इस वक्त तक प्रॉब्लम में है। हम सब प्रॉब्लम में हैं इस वक्त तक। सही बोल रही हूँ मैं, जॉन बड़े एक उसमें रहते थे, होजेल ने हमें बाप की तरह बहुत वो किया है, आज वो मेरे दरमियान नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी यादें मेरे पास ज़रूर हैं। इस शहर में जब मैंने उसको खो दिया है, लेनी को खो दिया, आज मुझे वो एक सुई की तरह चुभ रही है वो बातें। लेनी बेचारा 18 साल का था बच्चा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन आखिरकार हर किसी की कोई उम्र होती है। मैं समझ रहा हूँ, समझ गया। और मेरा नहीं ख्याल कि मौली कभी भी कोई जासूस थी, मौली हमारे साथ बहुत लंबे अरसे से थी। ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो हरकत की उसको उसकी सजा मिल गई। रोशन ने बिल्कुल सही किया। हाँ शायद, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मौली ऐसी नहीं थी, समझे हो? हमने उस कमीनी को मार के बिल्कुल सही किया, बस वहीं तक जाना है। आ जाओ बस।
ठीक है, ये क्या है? ये हॉट एयर बलून। ओह मिसेस एडलर, आप आ गई। मैडम मैं तो कहता हूँ कि आप बैठिए ना सर, प्लीज आइए ना। ये देखिए, ये है हॉट एयर बलून, इससे आप ऊपर जा सकते हैं, उड़ सकते हैं सर। उलुलुले आ जाइए सर, बैठते हैं। चलिए ये ज़रा प्लीज़ पकड़िएगा, ये पहन दीजिए। ये आप नहीं चलेंगे मिसेज एडलर? नहीं नहीं, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियों की सेहत पे फ़र्क पड़ता है। नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। चीप बातें करते रहते हो तुम, चीप इंसान। मैं भी चीप हूँ यार, मैं अकेला कैसे? आप ज़रा वो ऊपर से खींचिएगा, प्लीज़ चलाइए। आपको यकीन है मैं चला सकता हूँ? ज़रूर चला सकते हैं सर, चलिए चलिए करिए, चलिए 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 जल्दी करिए। चलिए मिस्टर मिसेस एडलर, अल्लाह हाफिज़। वैसे ये काम आपको नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आप जैसे बेवकूफ़ कस्टमर से मैं ये काम करवाता हूँ। मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ आपको? ऑफ कोर्स सर, अकलमंद वाली कोई हरकत भी नहीं की आपने। हाँ आप, आपको क्या पता मैंने क्या अकलमंद वाली हरकत की है क्या नहीं? सर शक्ल से दिखता है, शक्ल से यू आर गिल्टी। आपको क्या लगता है मैं किस बात पे गिल्टी हूँ? हैं सर, मुझे बताया आपने कि आप किस बात पे गिल्टी हैं, मुझे क्या पता। मैं आपसे चंद मिनट पहले मिला हूँ सर, तो आपको बताना चाहिए कि आप किस बात पे गिल्टी हैं। मैं किसी बात पे गिल्टी नहीं हूँ, तमाम कर ये वरना यहाँ से नीचे नहीं दूँगा आपको। आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकता? क्योंकि उसके बाद ये चलाएगा कौन? मैं क्या भी चला रहा हूँ? अरे सर आपकी गलत फहमी है कि आप ये चला रहे हैं। बेसिकली आपको घंटा नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। वाह क्या नज़ारा है, मरने से पहले यही तो नज़ारा देखना था। काफी का एक सुकून भरा दिन, मज़ा आ जाएगा। क्या दिन रहेगा आज का, वाह ये नज़ारा। सर ये नज़ारा कुछ नहीं, आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपका और इस कुदरत का फासला कम हो जाएगा। सर मैं बात समझा नहीं आपकी। ठीक है सर, जब मर जाएंगे तब समझ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बातें वैसे कोई ख़ास समझ नहीं पा रहा। सर मौत से पहले आपको मेरी ही बातें समझ में आएंगी। अच्छा चलिए अब सर थोड़ा नीचे ले आइए, आपका स्पॉट आ चुका है। हम वैसे पुलिस स्टेशन के ऊपर क्यों हैं? क्योंकि हमें यहीं पे किसी को ढूंढना है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या? नहीं नहीं नहीं, आप उतारे हैं उतार देना तो समझा कि नहीं सर, लेकिन मैंने क्या किया है जो वो मेरी जान ले लेंगे? तूने ये किया है कि तू उनकी टेरिटरी में दाखिल हुआ, अब तू नीचे जाएगा तो वो तेरी जान ले लेंगे, ऊपर रहेगा तो वह तेरी जान ले लेंगे। फैसला कर ले कहाँ जाना है। देख मैं बताता हूँ, नीचे जाएगा तो खुदा से थोड़ा फासला बन जाएगा, ऊपर रहेगा तो डायरेक्ट। सिर्फ मेरे और खुदा के दरमियान कभी फासला नहीं बनेगा, मेरे दिल में है खुदा। हाँ तुझे भी मौत से पहले एक ही आपसे चीज दिखेगी। सर क्या? मौत का फरिश्ता।
अच्छा सर, लेकिन पुलिस टेरिटरी में मैं नहीं जा सकता सर, मैं सादा आदमी हूँ, थोड़ा सा एयर बलून उड़ाता हूँ फिर बस घर आ जाता हूँ सर। प्लीज़ सर, सर आपको आपकी बीवी का वास्ता, मेरी शादी नहीं हुई भी, बीवी का वास्ता नहीं सर। प्लीज़ सर, आपकी होने वाली बीवी का वास्ता है। मेरी शादी होगी भी नहीं तो बीवी का वास्ता नहीं, कुछ नहीं, बीवी चली गई है, अब वापस नहीं आएगी सर। आपकी होने वाली बीवी का वास्ता सर, नहीं होगी शादी, क्यों बकवास कर रहे हैं सर। आपको आपकी आपकी माँ का वास्ता सर। गोली मार दूंगा अगर माँ का था तुम्हारा लिया सर। सर प्लीज सर, सर 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 अब तो आ चुके हैं, आप क्या फायदा, अब कोई फायदा नहीं, छोड़ो। अब बस मुझे ढूंढना है कि मेरा भाई किधर है, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, बस ये पकड़ लो, चलो पकड़ो पकड़ो, चलो अब मुझे देखना था मेरा भाई किधर है। इधर है सर, जल्दी कीजिए ना सर, सर प्लीज सर। रुक जा, ठीक है वो तो नहीं, वो देखो नहीं है, यही है वो। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? शिट सर, सर मैंने बोला था ना सर आपका दिमाग खराब है, क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहा है भाई, हॉस्टल एलईडी के क्या कर दिया, क्यों छोड़ा ऐसे, हम नीचे आ गए, उनकी नजरों में आए हैं सर। सर प्लीज सर, सर बचा लेना सर। बचा लूंगा आपको सर, डीके के सर गोलियां तो फिर भी चल रही है ना सर। क्या करता है सर? मैंने क्या किया सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ तो किया था जो गोलियां चल रही थी, हाँ तेरी वजह से वो गोलियां चल रही थी, सुख लिए तुम हमें इतना नीचे ले आए थे कि उनकी नजरों में आ गए थे हम। ओके सर, आई एम सॉरी सर, वो देखिए मिसेस एडलर, लेकिन उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं सर, आपके लिए अच्छा मौका है, आपकी होने वाली बीवी है। एक मिनट मुझे देखने दे, हाँ ये तो सही है, पकड़ से मैं देखता हूँ। ए ऊपर देख बसरी के ऑर्डर्स का वॉइस, हम पर गोली चला रहा है वो, तू जानता ना तू किससे अपना ले रहा है, तुझे हम समझाएंगे बे कि तू किससे पंगा ले रहा है। मैं जानता हूं बे मैं किससे पंगा ले रहा हूं, उतर मैं ये नीचे उतर मैं तेरे को बताता है तू किससे पंगा ले रहा है, ये किस बना में बैठा है। कभी पता नहीं चल पाएगा तुम्हें कि मैं किस बला में बैठा हूं। ए, तुझको पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है, और ड्रिस्कल नाम है मेरा, और ड्रिस्कल गैंग का बॉस तेरे को छोड़ेगा नहीं भी ना, छोड़े कोई परवाह नहीं सर। प्लीज सर, सर मेरा नाम मार्केट पे खराब कर रही है सर आप। अबे चुपिए, तेरा नाम मार्केट में बन रहा है, तुझे जानता ही कौन है, लेकिन अब तुझे लोग जानेंगे। पप्पू शूटर नाम क्या है आदमी उससे प्रोफाइल से। सर पप्पू शूटर कौन है सर? तू सर मुझे सर सर
गया। शिट। ए ए पागल औरत, ए पागल, रस्सी पकड़ो, जल्दी ऊपर आ, मैं इसको देखता हूँ। सामने देखो ब्रिज दिख गया। लो आर्थर, नीचे आओ, नीचे और नीचे, जंप ही कर देना। अब इतना नीचे तो आ गया हूं, अब जंप ही कर लो। आर्थर मदद करो। कर रहा हूं ना पागल औरत, ये हमेशा फंस जाती है। मैंने सोचा था एक दफा इसके साथ काम करके देखता हूँ। पागल ऊपर आओ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया। ओह पागल बच्ची, हम बदकिस्मत औरत, हम गिर रहे हैं, पकड़ के राख। किस्मत औरत, सर पे लग गई। बाबा रे बाबा, इस तरफ आ जाओ था। अबे इस तरफ क्लियर कर लेने दो ना यार, तो मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ। इस तरफ होता यार, अल्लाह इस औरत को हिदायत दे, बड़वे पने से बाज आने की। बे चलो चलो आगे बढ़ो आगे। भाग रहे हैं, तोड़ा इधर आओ तो जल्दी। शाबा चचा, मौत बहुत जल्दी चाहिए। तुम सारे मौत के फरिश्ते, तुम लोगों के आस पास मंडरा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से खत्म हो गए हैं, अब इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आ रहा हूँ। ठीक है ठीक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्यों गई ऑर्डर स्कूल्स के पास? मैं तो अपना बदला लेने गई थी। तुम्हारा बदला तुम्हारे अंदर होगा एक दिन, देख लेना। मुझे लेकिन वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या पता चल गया है? ऑर्डर स्कूल कॉल मॉडर स्कूल को हैंग करने वाले हैं। लेकिन वो दोबारा भाग जाएगा वहीं से। लेकिन इस दफ़ा हम उसको भागने नहीं देंगे। हाँ सही, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम उसको रोको। हाँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसको रोकूँ, भागने से रोक सकूं, तो मैं वही करूंगी। अब मैं उसको रोक के दिखाऊंगी। ठीक है, मैं डच को बताऊंगी ये बात, और फिर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। हाँ आ जाऊंगा अगर डच ने बोल दिया मुझे। तब आ जाओ अब तुम। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। शायद
मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती। ठीक है ना, हम हैं तो दोस्त ही। अब आखिरकार तुम्हें जॉन के बारे में क्या पता चला? बहुत कुछ। तुम मुझे कश्ती लेके उस साइड पे मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या पता चला। इधर आओ तुम। ठीक है, मैं कश्ती लेके आती हूँ, मैं अपनी गर्ल को भी बता दूंगी। हाँ ठीक है, तुम उसको बता देना, जल्द हम जॉन को ले लेंगे। ठीक, अब ध्यान रखो, जाओ यहाँ से।